क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। प्रार्थना में अपने सर हो चुकाए और दुआ मांगे। प्रभु मेरी बुद्धि मेरी ज्ञान मेरी समझ मेरी योग्यताओं को शून्य कर पिता होने दे। बाप की इस पल से मेरे मुख से जो निकले परमेश्वर वो तेरा वचन हो और ये कलाम पिता हम सब के लिए आत्मिक उन्नति और उत्थान का सबब बने यीशु के नाम से आमीन। मेरे दोस्त संत पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है। मैं तो निश्चित तौर पे इस संसार में हर एक मनुष्य जब भी लड़ाई की अगर बात आती है तो हम दिमाग में क्या आता है, जैसे अगर कोई कह दे कि लड़ाई हो गई है तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो अपना बेल्ट देखेंगे या कहेंगे डंडा ले ले हैं? या अगर और बड़ी लड़ाई है तो हथियार बंदूक है ना, देसी कट्टे जो भी है। कहीं ना कहीं मैं और आप जैसी लड़ाई की बात आती है तुरंत जो है वो संसार की ओर निहारते हैं, संसारिक चीजों की ओर निहारते हैं। मैं तो लड़ाई के लिए इस तरह के भी हथियार हैं और दूसरी लड़ाई के लिए और भी तरह के हथियार हैं कि जो हमारी किसी से लड़ाई हुई है फिर हम क्या करेंगे, जिससे हम ये भी सब शारीरिक हथियारों में ही आते हैं, संसारिक हथियारों में ही आते हैं कि अगर हमारे मन में किसी के लिए मैल है या बैर है तो हम क्या करेंगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम उसका अहित करने की कोशिश करेंगे, हम उसे दबाने की कोशिश करेंगे, हम उसके लिए षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, हम उसको उसके लिए झूठी झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे। ये भी क्या एक तरह के संसारिक हथियार ही है, हम क्या करेंगे उस पर दोष लगाएंगे। मैं तो यीशु मसीह पर भी दोष जो लगाया गया वो संसारिक हथियार ही था, शारीरिक हथियार ही तो था। मैं तो बात यहां जब शरीर के हथियारों की हो रही है या शरीर के लड़ाई की हो रही है तो हर एक तरह की वो चीज जो दूसरे को अहित करती है चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो वो सब क्या है, हथियार ही है। किसी के लिए अगर गलत विचारधारा को पैदा करना किसी और के दिमाग में वो भी क्या एक तरह की शारीरिक लड़ाई ही है। और मैं तो आज पूरा संसार इस तरह की शारीरिक लड़ाइयों को करने में जुटा हुआ है। मैं तो हम कहते हैं भाई हम तो लड़ाई नहीं करते, हमने तो आज तक किसी पे हाथ भी नहीं उठाया। हाथ क्यों नहीं उठाया, क्योंकि पलट के अपने पे हाथ लगने का डर था। अगर कोई कमजोर व्यक्ति सामने खड़ा है निश्चित तौर पर जान लेना अगर भले ही उसकी ज्यादा गलती हो भी या ना भी हो लेकिन हर चलते फिरते का मन कैसा करता है, चाहे वो जानते भी हो या ना जानते, अगर सड़क पे कोई पिट रहा है और पब्लिक उसे मार रही है तो अचानक से दिमाग में क्या ख्याल आता है, उसे बचाओ, चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते, हम भी बिना हमें कुछ नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहती गंगा में एक चांटा वो भी मान लेते। मैं तो निश्चित तौर पे हाथ पैरों की लड़ाई, लेकिन अगर वही कोई ताकतवर आदमी खड़ा है तो भले ही हमारी गलती भी क्यों ना हो तब भी हम क्या कहेंगे, चलो भाई मैटर खत्म करो यार छोड़ो। मैं तो संसार मुझे और आपको सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं न जाने कितनी बार संसारिक लड़ाइयों में डालने की कोशिश करता है, आंख खुलते ही संसार मुझे और आपको शारीरिक लड़ाइयों में डालने की कोशिश करता है और हम दिन और रात इसी लड़ाई को लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर शैतान चाहता है कि मैं और आप शारीरिक लड़ाइयों में उलझे रहें, शैतान चाहता है कि मैं और आप उन शारीरिक लड़ाइयों को लड़ने के लिए अपने हथियारों को तैयार रखें। मनुष्य का हथियार जो है वो डंडा झाड़ू बेलन या बेल्ट ये सब तो है ही है, लेकिन आज की डेट के मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है, उसका ब्रेन।
और वो ब्रेन जो है उसके मुंह को कंट्रोल करता है और उसका मुंह जो है वो उसके लिए प्लॉटिंग करता है। भाई तो हर आदमी कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। अगर मैं और आप सेम डिपार्टमेंट में और अधिकारी का फेवर अगर मुझे ज्यादा है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे कि इसकी थोड़ी डाउन हो और हमारी थोड़ी ऊपर उठे। आप शॉप चलाते हैं, आपकी आदत नहीं होगी लेकिन जनरल में मार्केट की बात कर रहा हूं, मार्केट में अगर कस्टमर आया है कुछ भी चीज लेने तो हम क्या दिमाग चलाएंगे, इसको मैं ऐसा इंप्रेस कर दूं कि बगल वाले की दुकान की चार बुराई करके ये हर चीज हर बार जो है ये मुझसे ही लेके जाए माल। यहां तक कि सब्जी वाले भी छोटी से छोटी बात सब्जी वाला भी क्या कहेगा, अब बहन जी उसकी प्याज अच्छी नहीं है, वो तो बासी बेचता है भाई, वो तो सस्ते में दे सकता है, उसकी तो कल की रखी है, सड़ गई है, खराब है, मेरी देखो मेरी कितनी अच्छी है। इस दुनिया का हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर से शारीरिक लड़ाइयों को लड़ रहा है और उसको लड़ते लड़ते में और आप इतने ज्यादा उलझ गए कि मुझे और आपको शैतान की सबसे बड़ी चाल दिखाई नहीं देती है कि शैतान चाहता है कि मैं और आप शरीर में ही जन्मे और शरीर में ही मर जाएं, मैं और आप चलते फिरते शरीर की ही सोचें और शरीर के बारे में ही ध्यान दें और शरीर के ही होकर रह जाएं। मैं तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार मुझे और आपको अपनी शरीर के ऊपर या मुझे और आपको अपने संसार के ऊपर या संसारिक बातों के ऊपर ही ध्यान देने का है। और आज हर एक मनुष्य इस संसार की बातों में ही उलझ के रह गया है, वो आत्मिक बातों की चिंता ही नहीं करता। भाई तो हम में से कितने अगर किसी से लड़ाई हो गई, हमारे आत्मिक हथियार क्या है? जब लड़ाई के विषय में बात होती है तो मसीह यीशु निरंतर मुझे और आपको क्या कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है। तुम कहां मांस और लहू से लड़ने में लगे हुए हो? मांस और लहू से युद्ध ना होने का मतलब तुम्हारा युद्ध मनुष्य से नहीं है। आज हमारे जीवन की बड़ी परेशानी यही है कि हम सबसे बड़ा बैरी मनुष्य को ही जानते हैं और जबकि इस दुनिया में मेरा और आपका बैरी जो है वो मनुष्य नहीं है। अगर किसी ने मेरे और आपके साथ अहित भी किया है, बुरा भी किया है या कोई मेरे और आपके लिए बुरा भी कर रहा है तब भी मुझे और आपको पलट कर उसके लिए बुरा नहीं करना है। अगर मैं और आप बुरा करते हैं तो इसका मतलब मैं और आप किस युद्ध में फंस गए? मैं और आप मांस और लहू के युद्ध में फंस गए, मैं और आप मांस और लहू से ही लड़ रहे। लेकिन खुदा इकलाम लिखा है तुम्हारा युद्ध अंधकार की उन शक्तियों से है जो उसके जीवन में प्रवेश कर रही है। मैं तो आज शैतान ने मनुष्य को इतना स्वार्थी बना दिया है, आज शैतान मनुष्य के दिमाग के अंदर उसके विचारों के अंदर उनके स्वभाव के अंदर उसके ख्यालों के अंदर इस तरह बैठ गया है बस गया है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो कब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है। मैं तो इसीलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब कोई तुम्हें सताए तो जाकर क्या करना है? जब कोई तुम्हें सताए तो उसके लिए तुम प्रार्थना करना कि खुदावन इस मनुष्य के जीवन के अंदर जो अंधकार की शक्ति काम कर रही है प्रभु इसकी जिंदगी से उस अंधकार की शक्ति को निकालकर बाहर फेंक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने सताने वालों के लिए पलट कर ऐसी प्लॉटिंग करते हैं कि आप देखना मैं बताऊंगा उसे, उसने अपना काम कर लिया ना, आप देखो मेरा काम देखो, उसने अपना दिमाग चला लिया मेरा दिमाग देखो। मनुष्य आज मनुष्य से ही लड़ने में लगा हुआ है जबकि हमारी लड़ाई मनुष्यों की लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, मनुष्यों की लड़ाई अंधकार की उस शक्ति से है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, ये चुगली करना, झूठ बोलना, आरोप लगाना, दोष देना या हाथ पैरों की लड़ाई करना या षड्यंत्रों की लड़ाई करना, हमारे हथियार ये नहीं है शारीरिक।
और आज हर एक मनुष्य इन्हीं शारीरिक हथियारों को लेकर युद्ध करने में लगा हुआ है, अपने शत्रुओं से भी, अपने कंपेनियन से भी, अपनी सास से भी, अपनी बहू से भी, अपने दामाद से भी, अपने रिश्तेदारों से भी, अपनी बहन से भी, अपने भाई से भी। जबकि मैं और आप भूल गए कि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। खुदावंद ने संसार मुझे और आपको आपस में लड़ने के लिए नहीं तैयार किया है। खुदावंद ने मुझे और आपको शारीरिक हथियार नहीं दिए हैं। खुदाई कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि हम शैतान के गणों को ढा नहीं सकते, हम ढा सकते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ कहां से है? हमारी सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। तो हमारी लड़ाई के हथियार क्या होने चाहिए? हमारी लड़ाई के हथियार परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ होनी चाहिए। हमारी लड़ाई के हथियार परमेश्वर का वचन होना चाहिए, कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उस अंधकार की शक्ति के साथ लड़े। खुदावंद के कलाम में इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कहा है कि नहीं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पापी से घृणा कर रहे हैं और पाप से प्यार कर रहे हैं। हम पापी से घृणा कर रहे हैं और पाप से प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वो कर रहा है, अगर वही हम भी कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो पाप उसके अंदर पाया जाता है हमने उस पाप से प्रेम किया और उसे अपने जीवन के अंदर ले लिया। अगर कोई मनुष्य मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है तो मुझे उस मनुष्य से घृणा नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू बाइबिल। पापी से घृणा नहीं करनी है। मुझे किस चीज से घृणा करनी है? उसके अंदर जो बैर की आत्मा है मुझे उससे घृणा करनी है। लेकिन मैंने क्या किया, उस बैर की आत्मा को तो अपने अंदर ले लिया, अर्थात उस पाप को तो मैंने अपने अंदर ले लिया और पापी से घृणा करने लगा। भाई तो आज संसार मुझे और आपको उल्टी बाइबल सिखा रहा है। खुदाई कलाम लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। मैं तो ये खुदावंद का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है निश्चित तौर पे। लेकिन संसार मुझे और आपको क्या सिखा रहा है, अपने शत्रुओं को खत्म कर दो और अपने सताने वालों के पीछे लग जाओ। जबकि खुदावंद का कलाम उससे और आपसे कहता है, मेरी आपके ये हथियार नहीं है जो मैं और आप शैतान से ले रहे हैं। मैं तो आज मैं और आप शैतान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तो मुझे हथियार दे ताकि मैं अपने भाई के खिलाफ खड़ा हो सकूं। भाई मतलब सगा भाई भी हो सकता है, तमाम कलीसिया भी हो सकती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का दास संत पौलुस कहता है, तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, अपने आप को आत्मिक हथियारों से लैस कर लो, अर्थात उद्धार का टोप पहनो, सत्य से अपनी कमर कसो, वचन रूपी तलवार लो, धार्मिकता की झिलम पहनो, सुषमाचार के जूते पहनो। ये है मेरे और आपकी आत्मिक हथियार जो मुझे और आपको अपने साथ रखने और विश्वास की ढाल। लेकिन आज मेरी आपकी जिंदगी में ना तो सत्य पाया जाता है, ना ही विश्वास पाया जाता है, ना ही मैं और आप उद्धार का टोप पहनते हैं, अर्थात यीशु मसीह को अपना सृजनहार मानते हैं, ना ही मैंने और आपने धार्मिकता की झिलम पहनी है, ना ही मैं और आप सुषमाचार के जूते पहनते हैं, ना ही मैं और आप परमेश्वर के वचन रूपी तलवार अपने हाथ में लेते हैं। मैं तो मैं और आप संसार से ही लेते, संसार को ही देते और संसार में ही उलझ के रह जाते हैं। मैं तो हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा दी हुई सामर्थ है और परमेश्वर के द्वारा दी हुई सामर्थ परमेश्वर का वचन ही है, जिसे मुझे और आपको पढ़ना है, जिसे मुझे और आपको सुनना है और जिसे मुझे और आपको अमल करना है। जब मैं और आप खुदावंद के वचन, उसकी शिक्षा, उसकी आज्ञा, उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तब निश्चित तौर पर जान लेना परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ देगा
और खुदावन जब मुझे और आपको सामर्थ्य देगा, उस सामर्थ्य से मैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। उस सामर्थ्य से जो मेरे और आपके बैरी हैं, निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावन उनके सामने मेरे और आपके लिए मेज बिछाएगा। और राजा दाऊद क्या कहते हैं, राजा दाऊद भजन 23 में क्या कहते हैं कि वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मैंने कई बार इस बात को बताया है, सताने वालों के सामने लिए के मेरे लिए मेज बिछाने का मतलब, मैं तो जो अभी आपको सता रहा है, खुदा ऐसे हालात पैदा करेगा कि मेज जो है वो किसका प्रतीक है, मेज अथॉरिटी का प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है। दो पार्टी होती है अक्सर, एक मेज के इस तरफ और एक उस तरफ। जो मेज के इस तरफ है वो पावरफुल होता है, वो अधिकारी होता है। देखा आईएएस पीसीएस डीएम किसी के भी अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, तो अगर आप मेज के उस तरफ बैठे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उससे कुछ चाहते हैं। और जो मेज के इस तरह बैठा है वो कहीं ना कहीं कुछ आपको कुछ दे रहा है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे लिए मेरे सताने वाले, खुदावन मुझे उनके सामने अधिकारी बनाकर खड़ा कर देगा। लेकिन वो कब करेगा, जब मैं और आप इस बात को जान लेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं तो आज मेरी आपकी जीवन की बड़ी परेशानी है, मैं बचपन से मैं और आप इस आयत को याद करते आते और बोलते भी हैं, सबको याद होगी, मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा हो जिसको याद ना हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं तो उसके बाद भी मैं और आप अपनी जिंदगी में अपनी घटियों को ही गिनते रहते हैं। अगर किसी से भी पूछो कि भाई तेरी लाइफ में कुछ घटी है, कुछ कमी है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है जो ये कहे कि नहीं मुझे कोई घटी नहीं है, कोई है ऐसा कि जो ये कहे कि मुझे कोई घटी नहीं है? हर आदमी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटी उसे लगती है, उसे महसूस होता है मेरी लाइफ में ये कमी है, ये और होता मेरे पास तो बढ़िया होता। वो इसलिए आज मेरी आपकी जिंदगी में घटियां हैं क्योंकि मैंने और आपने यहोवा को अपना चरवाहा माना ही नहीं है। मैंने और आपने अपने आप को आत्मिकता के हथियारों से लैस नहीं किया है। मैं और आप आत्मिक युद्ध को छोड़कर मैं और आप सांसारिक युद्ध में कूद चुके हैं। मैं और आप आत्मिक हथियारों को लेने की जगह मैं और आप दिन और रात शारीरिक हथियारों को ही लिए हुए हैं। निश्चित तौर पर जान लेना, परमेश्वर मनों का बदलने वाला है। मुझे और आपको अंधकार की शक्तियों से लड़ना है और उन शक्तियों से लड़ने के लिए खुदावंद मुझे और आपको वो सामर्थ्य देगा, और वो सामर्थ्य तब मिलेगी जब मैं और आप खुदावंद के वचन को जानेंगे, उसे पढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। मैं तो जानने से बेहतर अमल करना है। जानते तो हम सभी हैं, जो बाई बॉर्न क्रिश्चियन है सबको पता है। और इस दुनिया का, मैं तो कहता हूं इस दुनिया का कोई ऐसा धर्म ही नहीं है जो ये सिखा रहा हो झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, अपने भाई को जाके मार है, व्यभिचार कर या कुछ और लालच कर, ऐसा कोई है जो सिखा रहा हो ये सब बातें? हम तो सब जानते हैं सब पाप है, 10 हुक्मों हम सबको पता है बचपन से ही। मैं तो हमारा ज्ञान हमें उद्धार नहीं देगा, हमारा परमेश्वर के वचन पर अमल करना हमारा उद्धार करेगा। आज सबको जानते हैं कि आत्मिक लड़ाई क्या है और आत्मिक लड़ाई के हथियार क्या है, लेकिन उसके बाद भी सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, शारीरिक हथियारों को ही ले लेते हैं। शारीरिक हथियारों को अपने जीवन पर लेकर मैं और आप शारीरिक लड़ाइयों में ही व्यस्त रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं और आप अपने अंगों का इस्तेमाल जो खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं संसार के लिए ही करते, चाहे मेरी आपकी जिभ्या हो, चाहे मेरा आपका दिमाग हो, चाहे मेरे आपके हाथ पैर हो, चाहे मेरा आपका जो भी पोटेंशियल है, जो भी ताकत खुदा ने मुझे दी है, थोड़ी देर के लिए सोच के देखें कि हम मैक्सिमम इस्तेमाल उस ताकत का किस लिए करते हैं।
मैं तो निश्चित तौर पे जिस दिन में और आप अपने शरीरों का इस्तेमाल, जिस दिन में और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल आत्मिक और अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए करेंगे, उस दिन खुदावंद मेरे आपके ब्रेन को भी बेस्ट बना देगा, उस दिन खुदावंद मुझे और आपको बुद्धिमता से भर देगा, क्योंकि बुद्धिमता देना भी खुदावंद के हाथों में और निर्बुद्धि बनाना भी खुदावंद के हाथों में है। मैं तो खुदावंद चाहे तो बुद्धिमान बना दे और खुदावंद चाहे तो खाक में मिला दे। मैं तो खुदावंद ने चाहा, जब सुलेमान ने खुदावंद से कहा प्रभु तू मुझे बुद्धि दे दे, खुदा ने उसे ऐसा बुद्धिमान बनाया कि दुनिया में कोई भी उसके समान बुद्धिमान ना हुआ। लेकिन जब उसने अपनी आत्मा को दूषित कर लिया और वो अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगा, मूर्ति पूजा में लिप्त हो गया, दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य भी खुदावंद के अनुग्रह से गिरा है। खुदावंद से मांगे क्या चाहिए, खुदाई कलाम लिखा है शारीरिक ताकत देने वाला भी खुदावंद है। शिमशोन दुनिया का सबसे ताकतवर मनुष्य, एक गधे की हड्डी से लाखों हजारों मनुष्यों को मारने की ताकत रखता। मैं तो खुदा के वचन में लिखा, एक दिन शाम को वो आ रहा था, अचानक से उसे शेर मिला, शेर उसके सामने आया और शेर को उसने फाड़ दिया और उसे एहसास भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे यह भी अंदाजा नहीं है कि उसने शेर को फाड़ा है। फिर जब वहां से लौट के आया तो शेर की बॉडी के अंदर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया, उसमें शहद रख दिया। लौट के आके भी अननोनली उसने उस देखा, अरे इसमें तो शहद है, उसने शहद मुट्ठी भर लिया और शहद खाता हुआ चला आया। तब उसने पहली पूछी कि बलवंत में से मीठी वस्तु निकल सकती है क्या, समझ रहे मतलब कितनी ताकत होगी उसके अंदर। लेकिन वो ताकत तब तक है जब तक कि वो खुदावंत की शिक्षा, उसकी आज्ञा, उसकी व्यवस्थाओं को मानता रहा। और वही शिमशोन जब परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया तो खुदाई कलाम में लिखा है फिलिस्तीनियों ने उसकी ठट्टों में उसको उड़ाया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे जंजीरों से बांधकर भवन के बीच में खड़ा कर दिया और लोग उसकी मजाक उड़ाया करते थे। मैं तो निश्चित तौर पर सामर्थ खुदावंद की ओर से ही है, बुद्धिमता खुदावंद की ओर से ही है, पद प्रतिष्ठा खुदावंद की ओर से ही है। खुदावंद ही है जिसने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा बनाया। जब तक वो परमेश्वर की शिक्षा, उसकी व्यवस्थाओं पे चलता रहा और संसारिक हथियारों को छोड़कर, जब तक वो आत्मिक हथियारों को लेकर अपने साथ बन रखे रहा, तब तक खुदावंद उसे विजय दिलाता गया। और जिस दिन उसने अपनी बुद्धि चलाकर संसारिक कैलकुलेशन करने लगा, गोलियत की तलवार देखी, गोलियत की लंबाई चौड़ाई देखी, डर गया। और खुदा के कलाम में लिखा है वो बलशाली राजा जो इज़राइल का पहला राजा था, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया तो उसने अपनी ही तलवार अपने पेट पे रखी और सुसाइड कर ली। खुदावंद के वो महान चेले मैं तो जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले, अर्थात यीशु मसीह ने सबसे पहले अपनी सेवकाई के लिए चुना, जिनमें से एक यहूदा इस्करियोती था, जब उसने आत्मिक हथियारों को छोड़कर संसारिक हथियारों की खोज में लग गया, कितनी ब्लेसेड जिंदगी होगी यहूदा इस्करियोती की, कितनी उपेक्षाएं होंगी यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती से, या कुछ तो खासियत होगी यहूदा इस्करियोती में। तभी यीशु मसीह ने सबको छोड़ 12 चेलों में उसे भी शामिल किया। लेकिन जब वो खुदावंद के अनुग्रह से गिर गया और संसारिक और शारीरिक हथियारों की खोज में लग गया, खुदा की कलाम में लिखा है उसने फांसी लगा ली। मैं तो आज की संध्या खुदावंद मेरी आपकी जिंदगी में देखना चाहता है कि मैं और आप जो भी युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो मनुष्य से ही क्यों ना हो,
चाहे वो पद प्रतिष्ठा सम्मान का ही क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि मेरा और आपका युद्ध उस शरीर से नहीं है जो मेरे और आपके सामने खड़ा है। मेरा आपका युद्ध उस शरीर से नहीं है जो मेरा और आपका बैरी है। मेरा आपका युद्ध उस शरीर से नहीं है जो मेरे और आपके लिए बुरी युक्तियां कर रहा है। मेरा आपका युद्ध उस अंधकार की शक्ति से है जो उसके जीवन के अंदर काम कर रही है। इसलिए शारीरिक और संसारिक होकर युद्ध न लड़ना, वरन परमेश्वर की सामर्थ को पाकर आत्मिकता के अनुसार उस युद्ध को लड़ना। और निश्चित तौर पर जान लेना, जब मैं और आप प्रार्थनाओं के साथ और आत्मिक हथियारों को अपनी जिंदगी के अंदर लैस करके उस युद्ध को लड़ेंगे, मुझे और आपको आत्मिकता बनाए रखते हुए विजय दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि तब वो युद्ध मेरा और आपका नहीं होगा, तब वो युद्ध परमेश्वर का होगा। और खुदाई कलाम में लिखा है, वहां लिखा है, जब जब खुदावंद ने ये कहा है कि अभी ये युद्ध तेरा नहीं वरन अब ये युद्ध मेरा है, निश्चित तौर पर जान लेना सामने कोई ठहर नहीं पाया है। मैं तो इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि अपने सारी चिंताओं को और अपने सारे बोझों को मुझ पर डाल दो। मैं तो कोई सा भी युद्ध क्यों ना, चाहे वो बीमारियों के रूप में हो, चाहे वो तंगहालियों के रूप में हो, चाहे वो लाचारियों के रूप में हो, चाहे वो कमजोरी के रूप में हो, चाहे वो निराशा के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में हो, और चाहे वो शत्रु की देखे अनदेखे षड्यंत्र उनकी चालों के रूप में हो, खुदावन से कहें, प्रभु मैं शारीरिक हथियारों को लेकर लड़ना नहीं चाहता, प्रभु मैं शारीरिक हथियारों से लैस नहीं होना चाहता, प्रभु मैं संसार के सदस्य नहीं बनना चाहता, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरी ओर से लड़, प्रभु मैं तो सिर्फ तेरे वचन तेरी शिक्षा और तेरी आज्ञाओं के अनुसार ही अपने जीवन को जीऊंगी। परमेश्वर मैं तो सिर्फ जैसा तूने मुझे सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो, प्रभु मैं तो वही करूंगा, बाकी अब यह युद्ध मेरा नहीं वरन परमेश्वर अब यह युद्ध तेरा है। निश्चित तौर पर जान लेना है, तमाम अंधकार की शक्तियां जो मेरी आपके जीवन में काम करती हैं, चाहे वो बीमारियों के रूप में हो, चाहे परेशानी तंगहाली लाचारी या किसी और मनुष्य को बैरी बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया हो, वो अंधकार की शक्तियां ढा दी जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कहता है, वो कहता है क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। अगर हम अपनी लड़ाई का हथियार शारीरिक ही लेंगे या शारीरिक बना लेंगे तो फिर उसमें और हमें कोई अंतर ही नहीं है, फिर तो खुदा हमारी तरफ से लड़ेगा ही नहीं, फिर तो वो भी अंधकार का और हम भी अंधकार के। लेकिन आगे लिखा है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ का मतलब जानते हैं है? गढ़ का मतलब है जैसे कि मैं लोकल पादरी हूं मन्ना देवी का और यहां पर रहने वाले सब जो है मेरे लोग हैं, अगर कोई बात मुझ पर यहां आएगी तो 500,000 आदमी खड़ा हुआ है, और यही बात अगर मैं अलीगढ़ से बाहर चला जाऊं वहां पे वो मेरा गढ़ नहीं है, वहां पर अगर कोई बात आएगी तो मुझे 4 आदमी भी पीट के चले जाएंगे, ये मेरा गढ़ है। आप समझ में आई? हम कहते नहीं है हमारा एरिया है, वो कहता है कि शत्रु के गढ़ क्यों ना हो, ऐसे शत्रु के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य है। खुदावन से कहे, प्रभु तू मुझे शारीरिक हथियारों से नहीं वरन तू मुझे आत्मिक हथियारों से लैस कर, प्रभु तू वो सत्य से को मुझे दे जिससे मैं अपनी कमर को कस सकूं, परमेश्वर तू मुझे ऐसा ईमान दे जिसे मैं ढाल बनाकर शत्रु के जलते हुए तीरों के सामने ठहर सकूं, परमेश्वर तू मुझे धार्मिकता की वो झिलम पहना कि शत्रु कोई भी वार क्यों ना करे लेकिन मेरी धार्मिकता मुझे बचाए।
परमेश्वर तू अपने वचन की वो तलवार मुझे दे कि जब मैं अपने शत्रु से भी वचन से बातें करूं तो उसका भी हृदय छिद जाए और उसकी आत्मा बदल जाए। परमेश्वर इस संसार में तू मुझे उद्धार का टोप पहना। परमेश्वर मेरे पांव ठट्टा करने वालों की मंडली में न जाए, वरना पापियों के मार्ग में खड़े हो, वरन मेरे पांव में सुषमाचार का जूता पहना, जिससे के पांव जहां जाएं सुषमाचार प्रचार के लिए ही इस्तेमाल हो। मेरा उन स्थानों में जाना खुदावन तेरी बड़ी गवाही और तेरी महिमा का सबब बने। मेरी जिंदगी तेरी गवाही के वास्ते इस्तेमाल हो। निश्चित तौर पर जान लेना, जिस दिन मैं और आप अपने आप को इस विचारधारा के साथ खुदावन के सामने रखेंगे, हमारे सामने कोई ठहर ना सकेगा। मैं तो निश्चित तौर पे खुदावन अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है। मैं तो अपने परम प्रधान को अपना धाम मान लो। जिस दिन में और आप परम प्रधान को अपना धाम मान लेंगे, उस पल हर समय खुदावंद मेरे और आपके साथ चलेगा। मैं थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दे रहा था बस कि अलीगढ़ मेरा गढ़ है, जस्ट एक एग्जाम्पल है गढ़ को समझाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे हमारा यहोवा परमेश्वर ही हमारा धाम और हमारा गढ़ है। जब खुदावंद हमारे साथ है तो जिस स्थान पर हम पांव धरेंगे, खुदाई कलाम लिखा है जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो स्थान में तुम्हें दे दूंगा। मैं छोटा था, आखिरी बात, मैं छोटा था, मैं इस बाइबल की आयत को पढ़ता था, खुदा बाप आपने कहा है जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वो स्थान में जिसे दे दूंगा। अब मैं मन मन में सोचता, खुदा बाप ऐसा कैसे हो जाएगा, दूसरे की प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिल जाएगी, मैं किसी और के घर में पैर रख दूंगा क्या वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, इस आयत का मतलब क्या है खुदा बाप। जिस स्थान पर तुम पांव धर दोगे, जिस शहर में तुम पांव धर दोगे, वहां के लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे, वहां का तुम्हें फेवर मिल जाएगा, वही तुम्हारा गढ़ हो जाएगा। निश्चित तौर पे खुदावंद अपने दास और दासियों को ऐसी सामर्थ देता है कि जिस स्थान पर वो पांव धरेंगे, खुदावंद ऐसे हालात पैदा करेगा कि बहुत सारे लोग उनके फेवर में खड़े हो जाएंगे और वो उन्हें पराया देश, पराया शहर या पराया स्थान नहीं लगेगा, वो शहर, वो क्षेत्र और वो देश उन्हें अपना सा लगने लगेगा। मैं तो खुदावंदी है जो सामर्थ देने वाला है, उसी से मांगे, उसी को खोजें और उसी की तलाश करें, तब खुदावंद अद्भुत अद्भुत और अद्भुत सामर्थ्य से मुझे और आपको भरेगा। प्रार्थना में अपने सर झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन के खालिक मालिक हमारे छिन वाले प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, जिंदा खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़ी आदर दीनता और भक्ति के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम कौन है, खुदा हमारा घराना क्या है। पिता हम तो संसारिक थे और अब तक संसारिक ही रहे हैं। प्रभु हमने अपनी बुद्धियों को चलाया है खुदावन, अपने मन के अंदर पिता न जाने कितनी अंधकार की शक्तियों को पाला है। प्रभु आज की संध्या हम तुझसे निवेदन करते हैं पिता कि तू हमें आत्मिक बना। पिता अपने आत्मिक वरदानों